तो हम लोग आज क्लास में डिस्कस करेंगे सोप एंड डिटर्जेंट। सबसे पहले सोप और डिटर्जेंट को हम आपको इंट्रोडक्शन दे दे, समझा दे दोनों में अंतर क्या है। सोप और डिटर्जेंट में जाएं उससे पहले तुम सिंपल सा पेपर और पॉली बैग में कंपेयर करो। पेपर और पॉली बैग में अगर कंपेयर करोगे तो क्या कंपेयर करते हो? पेपर और पॉली बैग, हम लोग इस पर आएंगे, सोप और डिटर्जेंट पे आएंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करते हैं पेपर और पॉली बैग में। तो अगर आप पेपर और पॉली बैग में कंपेयर करो, लेट्स यहाँ पर हम लिखते हैं पेपर, पॉली बैग, पॉली बैग समझ गया ना, पॉलीथीन, पॉली बैग। अगर पेपर और पॉली बैग में कंपेयर करोगे तो तुमको ये मालूम होगा कि पेपर जो होता है ये प्लांट से बनता है, पॉली बैग जो है वो किस चीज से बनता है? केमिकल से। इट्स अ केमिकल सब्सटेंस, एक केमिकल सब्सटेंस से बनता है, ठीक है ना। कार्बन कहीं मोनोमर वोनोमर से होता है, उसी से बनता है, मतलब एक केमिकल सब्सटेंस से बनता है। अब अगर बात कीजिए, एक तो हो गया कि ये प्लांट से बनता है, ये केमिकल से बनता है। अब ये अगर प्लांट से बनता है, अगर हम पेपर लिए, उसको ले गए, गड्ढा खोदे, मिट्टी लिए, उसके अंदर डाल दिए, और एक दूसरा गड्ढा खोदे, उसमें पॉली बैग डाल दिया, या एक ही गड्ढे में पेपर भी डाल दिए, पॉली बैग भी डाल दिए, 10 डे और 20 डे के बाद में गड्ढा को खोद करके फिर देखें, उस गड्ढे में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? पेपर पॉली बैग दोनों मिलेगा, पेपर मिलेगा या पॉली बैग मिलेगा? तो आपको मालूम है कि वहाँ से सिर्फ पॉली बैग मिलेगा, मतलब कि वहाँ से पेपर गायब हो गया। पेपर कहाँ गायब हो गया? पेपर जो है वो सड़ गया, मतलब कि ये जो पेपर होता है, चूँकि वो प्लांट से बना हुआ है इसीलिए बायोडिग्रेडेबल होता है। तो बायोडिग्रेडेबल होता है इसीलिए डिकम्पोज कर गया। पॉली बैग चूँकि केमिकल सब्सटेंस से बना हुआ है, इस पर बैक्टीरिया का एक्शन नहीं होता, बैक्टीरिया इसमें नहीं लगता, ये डिकम्पोज नहीं करता है और एज इट इज सॉइल में रहता है। ठीक, समझ में आ गया? ये बायोडिग्रेडेबल है, डिकम्पोज करेगा, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, डिकम्पोज नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये सॉइल में डिकम्पोज कर गया तो पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। कभी आप सुने हो कि पेपर जो है पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा? नहीं, तो ये पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा, जबकि ये पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ, किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता, पॉली बैग का कि पेपर का? पॉली बैग का, पॉली बैग ज़्यादा स्ट्रांग होता एज कंपेयर टू द पेपर। कॉस्ट किसका ज़्यादा होता है, पॉली बैग का कि पेपर का? पेपर का कॉस्ट ज़्यादा होता, पॉली बैग का कॉस्ट कम होता। अब हमको कहने का मतलब है कि आप आते हैं क्वेश्चंस पे कि आखिर हम ये कंपेयर क्यों कर रहे हैं। ये कंपेयर करने का मेरा मकसद ये है कि आपको अगर सोप और डिटर्जेंट में कंपेयर करना हो तो आप थोड़ा देर के लिए इसको सोप मान लीजिए और इसको डिटर्जेंट मान लीजिए, और फिर जैसे कंपेयर करने बोलें वैसे ही कंपेयर कर लीजिए। तो सोप और डिटर्जेंट दोनों में, अगर सोप को हम थोड़ा देर के लिए पेपर मानते हैं, डिटर्जेंट को थोड़ा देर के लिए पॉली बैग मानते हैं, तो अब आप सोप और डिटर्जेंट में ये बताइए कि कौन पॉल्यूशन क्रिएट करेगा और कौन पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा। तो डिटर्जेंट पॉल्यूशन क्रिएट करेगा बिकॉज ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, सोप पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल होता है। सोप जो होता है वो प्लांट और एनिमल फैट से बनता है, इट इज अ मेड अप ऑफ प्लांट और एनिमल फैट्स, जबकि ये केमिकल सब्सटेंस से बनता है, ठीक है। ये महंगा होता है, कॉस्टली होता है सोप, डिटर्जेंट सस्ता होता है। आप सोप तो जानते हो, बहुत सारे सोप देखते हो मार्केट में, बहुत सारे डिटर्जेंट भी जानते हो, डिटर्जेंट को देखोगे तो एज कंपेयर टू सोप सस्ता होता है, ठीक है। उसके बाद क्लीनिंग एक्शन की बात करो,
अगर आप डिटर्जेंट से नहा लो और आप साबुन से नहा लो, आप देखोगे कि डिटर्जेंट से नहाने के बाद आप कुछ ज़्यादा ही साफ हो जाओगे। हाँ, ये अलग बात है कि उसका स्किन पर कुछ गलत असर पड़ेगा, इल इफेक्ट पड़ेगा, वो आपका मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो डिटर्जेंट का क्लीनिंग एक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द सोप। अब कभी भी क्वेश्चन कंपेयर करने आए तो अपने दिमाग में बस कंपेयर करते समय दिमाग में लाओगे कि सोप एज अ पेपर और डिटर्जेंट एज अ पॉलीबैग। अब बात करते हैं कि अब बताइए कि डिटर्जेंट के कंपेयर में सोप का क्या फ़ायदा है। दोनों का देखो, दोनों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। सोप का अपना एडवांटेज है और अपना डिसएडवांटेज है, डिटर्जेंट का अपना एडवांटेज और अपना डिसएडवांटेज है। तो पहले आप ये बताइए कि सोप का क्या एडवांटेज है ओवर डिटर्जेंट। तो सोप का एडवांटेज ये है कि ये बायोडिग्रेडेबल होता है। सिंस सोप इज अ बायोडिग्रेडेबल सो इट कांट क्रिएट एनी पॉल्यूशन, इट कांट हार्म्स द एनवायरमेंट। ये एनवायरमेंट्स को हार्म्स नहीं पहुंचाता। ये सोप का फायदा है। डिटर्जेंट का यही घाटा है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है और एनवायरमेंट्स को हार्म्स पहुंचाता है, दैट मीन्स कि पॉल्यूशन क्रिएट करता है। अब बात करते हैं कि डिटर्जेंट का क्या एडवांटेज है ओवर सोप। तो डिटर्जेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये सस्ता होता है, ये चीप होता है एज कम्पेयर टू सोप। क्लीनिंग एक्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सोप। और ये जो है डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी इफिशियंटली वर्क करता है। कैसे करता है, क्यों करता है, वो बाद के टॉपिक है, लेकिन ये आपको याद रखना कि डिटर्जेंट जो होता है वो हार्ड वाटर में भी काम करता है इफिशियंटली, जबकि सोप हार्ड वाटर में काम नहीं करता। उस चीज़ को समझने के लिए अब हम दोनों का स्ट्रक्चर को समझते हैं, सोप और डिटर्जेंट का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सोप। अगर आप देखिएगा तो कोई भी जो सोप होता वो दो पार्ट से मिलकर बनेगा। ये जो लंबा सा ये टेल नजर आ रहा है, ये आप समझ लीजिए कि कार्बन है। यहाँ पे कार्बन 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 ऐसे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि सोप के अंदर में एक लॉन्ग चैन ऑफ हाइड्रोकार्बन, एक लॉन्ग चैन होता है हाइड्रोकार्बन का, और इसका जो हेड होता है वो आयोनिक पार्ट होता है, आयोनिक पार्ट। ये लॉन्ग चैन किस चीज का है, हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन। दो पार्ट है, एक हाइड्रोकार्बन एक आयोनिक पार्ट। समझिए कि इट्स अ ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता है साबुन के अंदर और साथ ही साथ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट रहता है, ठीक है। मतलब साबुन के अंदर में कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा और साथ ही साथ क्या रहेगा, सोडियम और पोटेशियम, सॉल्ट ऑफ सोडियम और पोटेशियम। एक मिनट रुक जाइए, ठीक है ना। तो सॉल्ट ऑफ सोडियम और पोटेशियम कंटेन करता है। आप सिंपल सा ये मान के चलेगा कि साबुन जो है दो पार्ट से बना हुआ है, एक लॉन्ग चैन ऑफ हाइड्रोकार्बन और एक आयोनिक पार्ट, या दूसरा कहिए कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और साथ ही साथ सॉल्ट ऑफ सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम किस में होता है, सोप में। डिटर्जेंट में भी सेम होगा, लॉन्ग चैन होगा हाइड्रोकार्बन का और प्लस आयोनिक पार्ट होगा, लेकिन वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड तो होगा लेकिन वहां पे सॉल्ट ऑफ अमोनियम और सल्फोनेट होगा। ये डिटर्जेंट में रहता है, क्लियर, समझ में आया। मतलब कि अगर आप साबुन की बात कीजिए तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बता दिए कि कोई भी कार्बोनिक एसिड होता है उसके जो ग्रुप होता है उसी को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। एक्चुअली में साबुन या अगर आप डिटर्जेंट की बात कीजिए तो फैटी एसिड से बना हुआ रहता है। फिर यहाँ पर नया टर्म आ गया फैटी एसिड। फैटी एसिड का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा एसिड
जिसमें कार्बन का जो नंबर होता है 12 से ज्यादा हो, एसिड दैट कंटेन मोर देन 12 कार्बन। किसी किसी बुक में लिखा रहता है कि फैटी एसिड उस एसिड को कहते हैं जिसमें कार्बन 15 से ज्यादा होता है, एनी एसिड दैट कंटेन मोर देन 15 कार्बन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये ऐसे लिखते हैं C15H31COOH, ये लिखे ना, ये लिखे। अब ये जो है आप देखिए कि ये एक एसिड है जिसमें कार्बन कितना है 15 और 1 16। अब ये 16 कार्बन है और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है एसिड का, तो ये जो एसिड है इसमें 16 कार्बन है, इसका मतलब ये फैटी एसिड है। और ये जो एसिड है चूंकि ये कार्बोनिक एसिड है इसलिए इसको कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। तो साबुन कहो या डिटर्जेंट कहो, साबुन और डिटर्जेंट दोनों में कार्बोक्सिलिक एसिड होता है विथ सॉल्ट रहता है। कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों में कॉमन है कि साबुन होगा या डिटर्जेंट होगा दोनों में कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ये तो रहेगा दोनों में। लेकिन अगर सोप हुआ तो यहां पे सॉल्ट रहेगा किसका, देखो दोनों में कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा साथ ही साथ सॉल्ट रहेगा। तो अगर आप साबुन की बात कीजिए तो वहां पे सॉल्ट ऑफ सोडियम और पोटेशियम रहेगा साबुन के केस में, और अगर आप डिटर्जेंट की बात कीजिए तो वहां पे जो सॉल्ट होगा वो रहेगा आपको अमोनियम और सल्फोनेट, अमोनियम और सल्फोनेट, चलिए लिख लेते हैं, और सल्फोनेट। दोनों में समझ में आ गया फर्क कि साबुन जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड विथ सॉल्ट ऑफ सोडियम और पोटेशियम, डिटर्जेंट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ अमोनियम एंड सल्फोनेट। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो कोई भी सोप हो या डिटर्जेंट हो वो दो पार्ट से मिल के बनता है, एक लॉन्ग चेन होता है जिसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं, दूसरा आयोनिक पार्ट होता है जो हेड होता है उसको हम लोग कहते हैं आयोनिक पार्ट। ये जो आयोनिक पार्ट होता है यही होता है सॉल्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम या जो भी चीज हो, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक होता है, ये हाइड्रोकार्बन जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, फोबिक या फोबिया, फोबिया का मतलब होता है आप हेटर्स, नफरत। जैसे हमको किसी किसी को होता है ना कि गाना से फोबिया है, गाना सुनता उसे नफरत है, किसी को शोर शराबा से नफरत है, किसी को अगर पानी से नफरत है। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, फोबिया मतलब नफरत, मतलब कि जिसको पानी से नफरत हो तो हम कहेंगे वो हाइड्रोफोबिया है या हाइड्रोफोबिक है। इंसान भी जो होता है वो हाइड्रोफोबिक हो जाता है ड्यूरिंग द विंटर, विंटर का टाइम में हम लोगों को पानी से नफरत हो जाता है, और हम लोग हाइड्रोफिलिक हो जाते हैं पानी से बहुत करीब चले जाते हैं ड्यूरिंग द समर। अब आते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन पे, तो ये जो हाइड्रोकार्बन है वो हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब कि ये पानी से नफरत करता है, पानी से अपने आप को दूर रखता है, पानी में डिसॉल्व नहीं होता, ये हाइड्रोकार्बन का बिहेवियर है। लेकिन ये पानी से तो खुद को दूर रखता है, लेकिन डर्ट जो गंदगी होता है जो बेसिकली वायल्स से बना हुआ रहता है, हम लोग देखते हो ना हम लोग के कपड़े मतलब शरीर से बहुत सारा वायल्स निकलते रहता है, और इसी के कारण हमारा जो कपड़ा होता है वो गंदा हो जाता है। तो जो गंदगी होता है बेसिकली दे कंटेन द वायल पार्टिकल, तो ये पानी से नफरत करता है लेकिन गंदगी से प्यार करता है, ये डर्ट में डिजॉल्व हो जाता है, ये इसकी बिहेवियर है। जो आयोनिक पार्ट है ये जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक मतलब कि ये पानी में डिजॉल्व होता है आयोनिक पार्ट, लेकिन गंदगी से नफरत करता है, मतलब अपने आप को गंदगी से सेपरेट रखता है। तो डिटर्जेंट या सोप की बात कीजिए, सोप की बात कीजिए तो सोप के अंदर में दो पार्ट, एक आयोनिक पार्ट
जो कि गंदगी से अपने आप को दूर रखता है, पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है या पानी में डिजॉल्व हो जाता है। दूसरा हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जो कि पानी से अपने आप को दूर रखता है, गंदगी में डिजॉल्व होता है। जब कभी भी कोई मान लिए कि आपके पास ये क्लॉथ है, यहां पे ये गंदगी है, जब कभी भी इसके ऊपर आप साबुन को या डिटर्जेंट को यूज करते हो, तो क्या होता है कि ये दोनों पार्ट एक्टिव हो जाता है। ये पार्ट क्या होता है कि ये पार्ट, ये गंदगी मान लीजिए, तो गंदगी में डिजॉल्व हो जाता है। तो देखिएगा जो टेल वाला पार्ट है ये गंदगी में डिजॉल्व हो गया, और जो आयोनिक पार्ट है वो गंदगी से अपने आप को दूर रखता है। ये फिर गंदगी से दूर। तो आयोनिक पार्ट देखिए, आयोनिक पार्ट जो है अपने आप को गंदगी से दूर रखा हुआ, जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या कर रहा है, डिजॉल्व हो गया है डर्ट के अंदर। तो अब क्या होता है कि ये जो हाइड्रोकार्बन है ये डर्ट में डिजॉल्व हो जाता है, अपने आप को पानी से दूर करता है। जो आयोनिक पार्ट है वो पानी में डिजॉल्व हो गया, अपने आप को डर्ट से दूर किया, और इस तरीके से दोनों पार्ट एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है और आपका कपड़ा जो है साफ हो जाता है। तो जब कभी भी गंदे कपड़े पे हम लोग डिटर्जेंट या सोप का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे सेम यही काम होता है कि दोनों पार्ट एक्टिव होता है। डिटर्जेंट में जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो गंदगी में डिजॉल्व होता है, पानी से खुद को अलग कर लेता है। आयोनिक पार्ट है वो पानी में डिजॉल्व हो जाता है, गंदगी से अपने आप को अलग कर लेता है, और दोनों पार्ट सेपरेट हो जाता है। दैट मीन्स कि आपका गंदगी साफ हो जाता है। इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना जो बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग मिसल्स कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम लोग मिसल्स कहते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन जो पूछता है आपसे कि हाउ द सोप और डिटर्जेंट एक्ट विथ डर्ट क्लॉथ, सोप या डिटर्जेंट जो है गंदे कपड़े के साथ कैसे एक्ट करता है, तो आप अच्छे से उसको डिस्क्राइब कीजिएगा कि दे आर मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, हाइड्रोकार्बन एंड आयोनिक पार्ट, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोफोबिक, आयोनिक पार्ट और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोफोबिक होता है बट दे आर इजिली डिजॉल्व विथ डर्ट, आयोनिक पार्ट डिजॉल्व विथ वाटर, एंड बोथ रिपेल ईच अदर। रिपेल मतलब एक दूसरे को रिपेल करता है। इस तरह से आपका गंदगी जो है वो साफ हो जाता है। समझ में आया? बाकी बुक रीड करोगे। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है उसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, मिसल्स कहते हैं। ठीक है? तो अगर पूछता है कि मिसल्स किस तरह से बनता है तो ऐसे ही बनता है। ठीक? अब यहाँ पे एक चीज और आता है कि जो आपका सोप होता है, सोप और डिटर्जेंट तो समझ में आया कि दोनों आयोनिक पार्ट और हाइड्रोकार्बन से मिला हुआ, लेकिन यहाँ पे एक चीज और आता है कि जो सोप होता है वो हार्ड वाटर में काम नहीं करता, डिटर्जेंट जो होता है वो हार्ड वाटर में काम करता है। तो बात आती है कि जो सोप होता है वो हार्ड वाटर में काम काहे नहीं करता। हार्ड वाटर मान लीजिए खारा पानी, आप समुद्र का पानी मान लीजिए, गंदा पानी मान के चलिए, तो गंदा पानी में आप जाते हैं नहाते हैं और आप साबुन रगड़िएगा, ज़्यादा झाग नहीं होगा, आपको वहाँ पे ज़्यादा साबुन रगड़ना पड़ेगा। जो गंगा में गंदा पानी है ना उसमें आप नहाइए। एक्चुअली क्या होता है कि जो हार्ड वाटर होता है दे कंटेन द सॉल्ट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। जब हम लोग साबुन को उसके साथ ऐड कराते हैं तो वहाँ पे प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जिसके कारण वो एक्ट नहीं कर पाता। और उस केस में क्या हुआ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा साबुन का यूज़ करना पड़ेगा और वो वर्क भी नहीं कर पाएगा। जबकि जो डिटर्जेंट होता है, बताएं देखे, दे कंटेन द सॉल्ट ऑफ अमोनियम और सल्फोनेट। तो जब वो हार्ड वाटर के साथ एक्ट करता है तो मैग्नीशियम और कैल्शियम से रिएक्ट नहीं करता, मतलब कि इनडायरेक्टली वो प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं करता। प्रिसिपिटेट का मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं करता। और जब वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं करता है तो इस कारण से वो आसानी से हार्ड वाटर के साथ भी काम कर देता है। आपका जो शैम्पू है,
या बहुत सारे डिटर्जेंट जो है वो डिटर्जेंट के कैटेगरी में ही आता है, और बाकी साबुन तो साबुन है। क्लियर है? तो समझ में आया कि हार्ड वाटर में जो आपका साबुन होता है इसलिए नहीं एक्ट करता है क्योंकि जो साबुन जो सोप है वह हार्ड वाटर के साथ मिल करके प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है, मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, और उसी सब्सटेंस के कारण वो डर्ट के साथ एक्शन नहीं कर पाता है। जबकि डिटर्जेंट प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं करता है और इसीलिए इफिशियंटली वो हार्ड वाटर में भी काम करता है। क्लियर? तो अब इन शॉर्ट हम लोग समझें कि साबुन या डिटर्जेंट दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक। दोनों में अगर बात करें तो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से बना हुआ है, दोनों में सॉल्ट होता है लेकिन दोनों में अलग अलग सॉल्ट होता है। साबुन में सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट होता है कोई एक, जबकि डिटर्जेंट में अमोनियम और सल्फोनेट होता है। क्लियर है? अब एक बार अपने बुक को एनसीईआरटी बुक को रीड कर लेना, जो समझ में आ जाए आ जाए, और फिर उसके हिसाब से आप नोट्स रेडी कर लोगे। ठीक है? चलो।